पाकिस्तान और इंडिया का टाकरा T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और इंडिया आमने सामने। इससे पहले कि पाकिस्तान कुछ करके दिखाता, इंडियन कप्तान रोहित शर्मा ने अपनी हार मान ली। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की मौजूदा टीम बहुत चैलेंजिंग है। रोहित शर्मा का ये बयान डरा डरा और सहमा सहमा सा है। शायद उनको इस बात का डर है कि इस दफा कुछ गड़बड़ ही ना हो जाए। भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने पाकिस्तान की मौजूदा टीम को बहुत चैलेंजिंग करार दिया है। मेलबर्न में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए रोहित शर्मा ने कहा कि पाकिस्तान जाने पर फैसला BCCI ने करना है। फिलहाल हमारा फोकस इस वक्त ये वर्ल्ड कप है और ख्वाहिश है कि कल मुकम्मल मैच हो, पूरे 40 ओवर्स हों तो अच्छा मुकाबला ही होगा। भारतीय कप्तान ने कहा कि बतौर प्लेयर्स हम हर सूरत हाल के लिए तैयार होते हैं। बतौर कप्तान फोकस यही होता है कि हरीफ पर प्रेशर कैसे डालना चाहिए। चैलेंज है कि ICC टूर्नामेंट्स में अच्छा करें। रोहित शर्मा का कहना था, मालूम है कि पाकिस्तान की बॉलिंग बहुत अच्छी है जो हमें चैलेंज कर सकती है, लेकिन हमारी बैटिंग अच्छी है। मैच जीतने के लिए हमें बॉलिंग और फील्डिंग पर भी तवज्जो देनी होगी। उन्होंने मजीद कहा कि पिछले साल वर्ल्ड कप के बाद खामियों पर काबू पाना जरूरी था। प्लेयर्स को आज़ादी और एतमाद दिया कि वो बिला खौफ अपना गेम खेलें। हम रिजल्ट से ज़्यादा एफर्ट पर फोकस कर रहे हैं। पाकिस्तान की मौजूदा टीम बहुत चैलेंजिंग टीम है। पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप और एशिया कप में अच्छा खेला। भारतीय कप्तान का कहना था कि माजी का नहीं सोचते, हाल पर फोकस रखते हैं। फेवरेट या अंडरडॉग का नहीं सोचता। क्वालिफायर्स ने बता दिया कि फेवरेट या अंडरडॉग कुछ नहीं होता।